ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पहले लोइया बना लेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे दोस्तों। ये देखिए मसाला अब डालेंगे। देखिए दोस्तों मसाला डाल ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सटा देना है। ए बाबू तुम चुप रहो। देखिए दोस्तों ऊपर जो बच्चा उसको काट लिए हैं। अब इसको पूरा अच्छी तरह से गोल बना देंगे। ये देखिए एक नंबर का बना हुआ। देखिए परथन लगा दिए हैं आटे का। अब इसको बेलेंगे। डालो। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। ललन लाइव ब्लॉग में आप लोग का स्वागत। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू का पराठा। ओह माय गॉड। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी बहुत ठंड लग रही है। हम लोग चूल्हे पे अभी आग ताप रहे हैं दोस्तों, और बाहर में कोहरा ही कोहरा गिर रहा है। दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा। देखिए दोस्तों बाहर में कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। पूरा दूर दूर पे नहीं दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। उधर जो पेड़ उड़ दिखाई देता था वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर हमारा माँ और प्रियांशु और सती आग ताप रहे हैं दोस्तों। हमारे तरफ झारखंड में बहुत ठंड है। तो दोस्तों आज पकाने वाला है बहुत स्पेशल चीज, आलू का पराठा। तो चलिए आलू लू डालते हैं और आटा वाटा सानते हैं और बनाते हैं आलू का पराठा। डेगचे पे आलू डाल दिए हैं दोस्तों, और इधर आग ही लग रहा है, और यहाँ अंधेरा होने के कारण से अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो अभी आलू डाल दिए सिझने के लिए, अभी इसको सिझा लेंगे दोस्तों। तो चूल्हे पे बहुत फास्ट आग लग रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा देखने में लग रहा है। देखिए दोस्तों ये है गेहूं का आटा, अब सानने जा रहे हैं दोस्तों। और इधर बाबू खेल रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा दिख रहा है बाबू। आलू का पराठा बनेगा दोस्तों आज, ऐसा आलू का पराठा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ना सोची ना होगी। देखिए दोस्तों आटा पूरा निकाल लिए हैं, बस रहने दो जी, ज्यादा हो जाएगा। अब पानी डालेंगे आटे में सानने के लिए। बताना कितना लगेगा पानी, नहीं तो गील कर देंगे हम पानी डाल डाल के। ये देखिए दोस्तों सान ले रहे हैं हम, अच्छी तरह से इसको सान लेंगे आटे को। और देना है पानी। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से आटे को सान लिए हैं, दिखाइए जी, एकदम पूरा सॉफ्ट हो गया है, दबा के दिखा। ये देखिए दोस्तों पूरा अच्छी तरह से सान लिए हैं। अब इसको थोड़ा ढक देंगे, ढको जी। ये देखिए दोस्तों थोड़ा देर के लिए इसको ढक देंगे। और देखिए दोस्तों आलू भी इधर सिझ गया है, सिझ गया जी, गरम है, जलेगा हाथ, निकाल लो पहले। देखिए पूरा आलू को निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों पूरा आलू सिझ गया है, एक नंबर सिझा हुआ है। अब इसको चोकले को छील लेंगे, पूरा नया आलू है दोस्तों, इसको छीलने में लेट नहीं लगेगा। छीलो जी, आलू का छिलके निकाल लिए हैं दोस्तों। अब इसमें मसाला डालेंगे, तो चलिए मसाला पीसते हैं, अब निकालते हैं मसाला। ये देखिए दोस्तों ये है ताज़ा ताज़ा धनिया, इसे काट लिए हैं। और इधर सिलोट पे मसाला निकाल लिए हैं दोस्तों। ये है जीरा गोलकी और मिर्चा और हल्दी और प्याज और लहसुन। अब इसको पीस लेंगे दोस्तों, अब सभी को अच्छी तरह से पीस लेंगे दोस्तों। अभी मसाला पिसा रहा है, उसके बाद धनिया डालेंगे। ये देखिए धनिया डाला रहा है दोस्तों। अब इधर जवाइन मंगरेला को गरम कर लेंगे दोस्तों डालने के लिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों सभी मसाला पीस लिए हैं, अब जवाइन मंगरेला उतार लेंगे दोस्तों, ये गरम हो गया है। आलू को मैश लेंगे दोस्तों, ये देखिए मैशा रहा है, अच्छा सिझ गया दोस्तों, एकदम एक नंबर आलू सिझा है। इसको अब पूरा मैश के भरता बना लेंगे, उसके बाद ये मसाला डालाएगा। अब डालने जा रहे हैं दोस्तों जवाइन मंगरेला को, मसल दिए हाथ से, और ये रहा मसाला, आप इसको डाल के मिला लेगी। ये देखिए दोस्तों सभी को डाल लेंगे। अब नमक को डाल लेंगे दोस्तों स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए नमक डला गया, आलू और मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आटे का लोइया बना ले रहे हैं, अब एकदम पूरा गोल बनाएंगे। और इधर अमृता भी बना रही है, अमृता तुम छोड़ दो। ये देखिए दोस्तों इस तरह से पहले लोइया बना लेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे दोस्तों। ये देखिए मसाला अब डालेंगे, हाथ से डालो ना।
ये देखिए दोस्तों मसाला डाल ले रहे हैं। मोड़ो अच्छा से मोड़ना, और घुमाओ इसी तरह से, घूमता घुमाते रहो और हल्का हल्का बढ़ाते रहो ऊपर वाला कोरवा, दबा दबा और दबा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से सटा देना है, पूरा धीरे धीरे घुमा घुमा के उसके बाद काटो। ए बाबू तुम चुप रहो। देखिए दोस्तों ऊपर जो बच्चा उसको काट लिए हैं, अब इसको पूरा अच्छी तरह से गोल बना देंगे। ये देखिए एक नंबर का बना हुआ है, दिखाओ थोड़ा। ये देखिए दोस्तों कहीं पता नहीं चल रहा है सटा हुआ, अब इस तरह से करके उसके बाद बेलेंगे। बेलो दोस्तों, लाइट जलाना पड़ रहा है क्योंकि यह बहुत अंधेरा हुआ है, सुबह सुबह का माहौल है और बाहर में भी मौसम खराब किया हुआ है, अंधेरा टाइप के है, इस चलते लाइट जलाना पड़ रहा है। ए अमृता साइड हो जाओ। देखिए बर्तन लगा दिए आटे का, अब इसको बेलेंगे। मसाला हुआ डाला हुआ थोड़ा कहीं कहीं दिख रहा है काला काला, और इधर तावा चगा लिए हैं, और इधर इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। उसके बाद तेल को फैला देंगे, रिफाइंड तेल है दोस्तों, इसी से हम लोग रोटी पकाते हैं। डालो, अरे ज़्यादा तेल डाल दी थी ना, इधर छिलक गया। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त पक रहा है, देखिए दोस्तों पक गया है अच्छी तरह से। अब इसको उतार लेंगे। देखिए दोस्तों लोया को फैला ले रही है, यहाँ लोया बना बना के रखे हुए हैं और ये अभी उठा के फैला रही है। ये देखिए इस तरह से पहले फैला लेना है। ये देखिए दोस्तों मसाला डला गया, मुँह को दबा दिए दोस्तों। ये देखिए पूरा एक नंबर जुट गया चारों तरफ से, अब इसको थोड़ा सा बच गया है उसको काट देंगे। ये देखिए काट के निकाल दिए दोस्तों, अब इसको दबाएंगे। ये देखिए एक नंबर का गोल हो गया, अब इसको आटे में परथन थोड़ा लगा देंगे। ये देखिए कितना मस्त गोल बेला रहा है, अब इसको तवे में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों तेल डाल के फैला रहे हैं पहले तवे पे, अब डालेंगे रोटी को। पलटो पलटो पलटो, हाँ एकदम मस्त पलटती है, एक साल का एक्सपीरियंस है इसका पास पलटने का। रोटी पकवाना होगा तो बुलवा लेना इसको। देखिए दोस्तों फूल रहा है, देखिए दोस्तों उतार लिए हैं। देखिए दोस्तों ये पक गया है, ये लास्ट परोठा रोटी है, अब उतार लेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों उतार ले रहे हैं, सारा रोटी पका लिए हैं। ये देखिए इतना हो गया, अब मुंह धोते हैं उसके बाद चेक करते हैं कैसा लगता है खाने में। प्रियांशु लो, पुष्पा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अमृता कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ। देखिए दोस्तों अमृता के मम्मी भी खा रही है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त पका हुआ है, अमृता को भी दे दो थोड़ा सा। खा ली है फिर भी मांग रही है दोस्तों ये अमृता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों हम भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है, खा के आनंद प्राप्त हो गया, समझ गया। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा,
और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी अपना वीडियो लोड करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलेंगे फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।